नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ रजा सिंह। देश के सबसे बड़े सूबे कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। जहां एक तरफ सपा लोकसभा चुनाव के नतीजे दोहराने की कवायद में है, तो वहीं भाजपा को अपना खोया हुआ जनाधार वापस लाने की टेंशन। इसी के चलते दोनों प्रमुख दलों ने चुनाव प्रचार में जी तोड़ मेहनत कर जनता को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश की। हो भी क्यों ना, विधानसभा चुनाव की तरह उपचुनाव भी कम अहमियत नहीं रखता है। जी हाँ, उपचुनाव का एक अलग महत्व होता है। आज 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और जिस तरीके से यूपी में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने दिन रात एक किया, उसकी अहमियत आसानी से समझी जा सकती है। समाजवादी नेता अखिलेश यादव का पीडीए नुस्खा लोकसभा चुनाव में सफल साबित हुआ, लेकिन ये तो उपचुनाव के नतीजे ही तय करेंगे कि वो महज संयोग था या वास्तव में राजनीतिक प्रयोग का नतीजा। वैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लेटेस्ट नारे बटेंगे तो कटेंगे का असर तो झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव तक देखने को मिला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यूपी के उपचुनाव में भी इसका कोई प्रभाव देखने को मिलेगा। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि उपचुनाव के लिए यूपी कैंपेन में सपा और भाजपा दोनों ही दलों के नेताओं के बीच देश के बंटवारे का जिक्र कई बार आया। योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में देश के बंटवारे का जिक्र किया, तो वहीं अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आजादी के बाद का सबसे कठिन उपचुनाव बताया। ऐसे में चुनाव कैंपेन देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उपचुनाव के नतीजे उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा तय करने जा रहे हैं। सपा और भाजपा नेताओं के आखिरी कैंपेन पर नजर डालें तो योगी आदित्यनाथ ने 5 दिनों में 15 रैलियां और रोड शो किए, तो वहीं अखिलेश यादव ने 14 सार्वजनिक सभाएं और रोड शो। एक खास बात और थी, चुनाव प्रचार खत्म होने के घंटे भर पहले अखिलेश यादव ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखी। प्रिय उत्तर प्रदेश वासियों और मतदाताओं, उत्तर प्रदेश आजादी के बाद के सबसे कठिन उपचुनाव का गवाह बनने जा रहा है। ये उपचुनाव नहीं है, ये रुक चुनाव है जो उत्तर प्रदेश के भविष्य का रुख तय करेंगे। बता दें कि बीजेपी के स्टार कैंपेनर होने के कारण योगी आदित्यनाथ को महाराष्ट्र और झारखंड में भी मोर्चा संभालना पड़ा। शायद इसलिए यूपी के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट साथियों को मोर्चे पर पहले ही तैनात कर दिया था। एक विधानसभा सीट पर 3-3 मंत्री और कमान अपने हाथ में दोनों ही डिप्टी सीएम योगी आदित्यनाथ की टीम से बाहर थे। यूपी से इतर झारखंड में अगर बीजेपी घुसपैठियों के मामले को चुनावी मुद्दा बनाने में सफल रही तो योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा योगदान रहा, खासकर उनके नए स्लोगन का। चुनाव कैंपेन शुरू होने से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने आगरा में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था और उसके लिए बांग्लादेश के घटनाक्रम का ही हवाला दिया था। बेशक योगी आदित्यनाथ के स्लोगन वाले पोस्टर तो यूपी में भी लगे थे और महाराष्ट्र में भी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण यूपी के उपचुनाव ही हैं। भले ही महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजित पवार और कुछ बीजेपी नेताओं ने खुलकर योगी आदित्यनाथ के नारे का विरोध किया, लेकिन असर तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखा ही जा चुका है। अगर हम विरोध की बात करें तो एक बार यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी खुद को योगी आदित्यनाथ के नारे से अलग कर लिया था, लेकिन बाद में वो कहने लगे कि वो योगी आदित्यनाथ के स्लोगन बटेंगे तो कटेंगे साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया नारा एक है तो सेफ है का भी समर्थन करते हैं। हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि योगी का ये नारा सही निशाने पर लगा है। अब यूपी की जनता इसे कितना स्वीकारती है ये तो चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।